अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्लास नाइन्थ वाले, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और चिट्ठियाँ बखैरत गुजर रही होंगी आप लोगों के। तो आज का हम लोग जो है अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आप लोगों के मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर वन है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बता होना चाहिए कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में बुक में यहाँ पे इन लोगों ने कुछ डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, मैं वो भी समझाऊंगा, लेकिन ये वाला डिफिनेशन बेहतर है कि अगर आप लोग नोट कर ले, काफ़ी इजी भी लगता है मुझे कि आप लोग इंशाल्लाह इसको याद कर सकते हो। ये है कि द रेक्टेंगुलर और द रेक्टेंगुलर आर स्क्वेयर array of numbers, the rectangular or square array of numbers arranged in rows and columns, the rectangular or square array of numbers arranged in rows and columns enclosed by bracket this is called matrix। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स, और यहां पे मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स का डेफिनेशन है द रेक्टेंगुलर और स्क्वेयर अरे ऑफ नंबर्स arranged in rows and columns enclosed by brackets is called matrix। तो यहाँ पे आप लोग जरा देखो कि यहाँ पे एक वर्ड रेक्टेंगुलर है, एक स्क्वेयर है, एक अरे है, और साथ ही में कॉलम्स, और साथ ही में आपके पास है रोज। कुछ ऐसे वर्ड्स है कि अगर ये आप लोगों को समझ में आ जाए तो ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स आप लोग सीख लोगे। वो ये है कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है जिसे हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं, मुस्ततील, और बाद में है स्क्वेयर। स्क्वेयर क्या है हमारे पास? स्क्वेयर ये है कि जिसको हम लोग उर्दू में मुरबा कहते हैं, कि चारों के चारों साइडों का लेंथ आपस में इक्वल हो तो स्क्वेयर, अपोजिट का आपस में लेंथ इक्वल हो तो उसे कहते हैं रेक्टेंगल। कहते हैं कि द रेक्टेंगुलर आर स्क्वेयर अरे ऑफ नंबर्स। अरे का मतलब क्या है? अरे मीन्स तरतीब देना, वर्ब है। कहते हैं कि अगर नंबर्स को रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वेयर शेप में अरेंज किया जाए रोज और कॉलम्स में, और फिर उनको ब्रैकेट में बंद किया जाए, तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6। जरा आप लोग अपना जेन लड़ाए के यहां से मैं आ जाऊंगा और यहां से यहां आऊंगा, यहां से यहां, यहां से यहां, तो जरा देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इसी तरह अगर मेरे पास है ए बी सी डी, ये मैंने लिखे, अब जरा देखो कि ए से बी पे जाओ, बी से डी पे, डी पे सी, सी से ए पे, ये एक स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। कहते हैं कि अगर नंबर्स को रेक्टेंगुलर या स्क्वेयर तरतीब दिया जाए रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। अब रो क्या है, कॉलम क्या है? रो ये है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और कॉलम क्या है? फ्रॉम अप टू डाउन, फ्रॉम डाउन टू अप इज कॉल्ड कॉलम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड रो। ये तो ऐसी यहां पे मैं बता रहा हूं, रोज और कॉलम्स का आगे आएगा, वहां पे हम लोग जो है फिर उसका डेफिनेशन जरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, कहते हैं कि ये देखो अभी ए बी सी डी द रेक्टेंगुलर आर स्क्वेयर अरे ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरे लिख रहा हूं, ये देखो ये नंबर्स को मैंने क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर तरतीब दिए, या फिर मैंने नंबर को स्क्वेयर तरतीब दिया है, ए बी सी डी रेक्टेंगुलर आर स्क्वेयर अरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इंक्लूज्ड बाय ब्रैकेट्स, इंक्लूज्ड बाय
ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, तो इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। बुक में कैसे लिखा हुआ है डेफिनेशन, जरा बुक पे आके गौर करते हैं। इंट्रोडक्शन जरा देखो पेज नंबर 2 पे, द मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांच ऑफ साइंस। वैसे मैथमेटिक्स का जो ये मैट्रिक्स है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई गेम नहीं है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनका जो है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, स्टेट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर जगह पे इसका यूज है। द मैट्रिसेस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में भी इसके बहुत सारे कमालात हैं। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर केले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी, हु फर्स्ट डेवलप्ड थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। यहाँ पे आप लोग ये थ्योरी खुद पढ़ ले, माशाल्लाह इंग्लिश तो आप लोग पढ़ सकते हो। जरा फिर ये चेक कर लो जो क्या लिखा हुआ है, आप लोग समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 1.1 में हम लोग आते हैं मैट्रिक्स पे, क्या रेक्टेंगुलर अरे और अफर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 सच एज दिस एंड देन इंक्लूज्ड बाय दिस इज सेड टू बी द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पेज नंबर 2 पे मैट्रिक्स, ये आप लोग जरा पढ़ ले, ये यही बात कर रहा है जो बात यहाँ पे मैंने की है। तो बस यहाँ पे मैट्रिक्स का डिफिनेशन खत्म हो गया। इसके अंदर हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, हम लोग अभी जाएंगे कि हमारे पास रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि रो क्या है और कॉलम क्या है। ये डिफिनेशन मैट्रिक्स का लिखो, ये काफी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, अक्सर हर जगह पे पूछा भी जाता है, बेसिक है बहुत, तो आप लोगों का बहुत फायदा होगा इससे। अच्छा अभी हम लोग पढ़ेंगे रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एंटायटी ऑफ ए मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। कहते हैं कि ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास, आपके पास रो क्या है और कॉलम क्या है। इनको समझने के लिए ये जरा मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा हुआ है। अच्छा वो कहते हैं इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स ए में, इस मैट्रिक्स ए में ये है रो, ये भी रो है और ये भी रो है। तो इसको R1 का नाम देते हैं पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। इसी तरह अगर ऐसे इसको इस तरतीब से अलग अलग किया जाए तो हमारे पास ये C1 बनेगा, ये C2 बनेगा, ये C3 बनेगा, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। बस इतना ही समझ ले। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पे। किस पे आते हैं? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। वैसे रोज का इतना कोई खास डिफिनेशन भी नहीं आएगा पेपर में, नहीं कहीं पे पूछा जाता है। फिर भी अगर पूछा गया तो आप लोग जरा डिफाइन कर सकते हो, अपने वर्ड्स में बयान करो कि अगर हम लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर्स लिखेंगे वो हमारे पास रो कहलाता है मैट्रिक्स में, और फ्रॉम अप टू डाउन या फ्रॉम डाउन टू अप हम लोग जाते हैं तो ये हमारे पास कॉलम होता है। अपने ही वर्ड्स में कोई डिफिनेशन आप लोग वहां पे लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1, 2, 0, 0, 3, 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कि काफी सारे जगहों पे फिर यूज भी होता है इसका मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू 1, 0, 2, 0, 3, 1। अच्छा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ रोज, इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? ये हो गया आर वन और ये हो गया आर टू। तो हमारे पास रोज कितने हैं? रोज की तादाद हमारे पास है 2। और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3। कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? कॉलम्स 3 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होगा कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स M इज M रोज एंड N कॉलम्स, देन M इज सेड टू बी ऑर्डर M बाय N। फॉर एग्जांपल अच्छा यहां पे जरा देखो क्या कहते हैं M बाय N। कहते हैं कि अगर M रोज हो किसी मैट्रिक्स के अंदर, M रोज हो, M क्या है हमारे पास? 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और हमारे पास M रोज हो और N कॉलम्स हो, N कॉलम्स हो, N फिर क्या है? N भी 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, 5 कॉलम है, 6 कॉलम है, जितने भी है। तो कहते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स में रो की तादाद M और कॉलम्स की तादाद N है तो M क्रॉस N, M क्रॉस N, M मल्टीप्लाई बाई N नहीं है, M क्रॉस N इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस डिफिनेशन की रो से आप लोग जरा देखो कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2,
बाय थ्री। तो आप कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू टू क्रॉस थ्री। आई जानो कि आप टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज इक्वल टू सिक्स करें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सिक्स है। इस तरह करोगे तो इट मीन्स दैट यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स, इवन बेसिक मैथमेटिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक दफा फिर मैं इसको डिफिनेशन आप यहाँ लोगों के सामने यहाँ पे पढ़ता हूँ। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर इफ अ मैट्रिक्स एम इज एम रोज एंड एन कॉलम्स। अगर कोई मैट्रिक्स एम ऐसा है कि उसमें एम रोज है और एन कॉलम्स है, देन एम इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम बाय एन। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों ने ऐसे लिखा हुआ है एम बाय एन, कोई बात नहीं है, एम बाय एन लिखोगे या एम बाय एन लिखोगे, एक ही बात है। यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप लोग जरा देखो m इज इक्वल टू के, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास है इक्वल मैट्रिसेस। अच्छा, ये तो हम लोग मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, मैट्रिसेस हमारे पास क्या है? मैट्रिसेस, मैट्रिसेस दरअसल मैट्रिक्स का प्रोप, मैट्रिक्स का प्लूरल है। क्या है? प्लोरल है, जमा है। मैट्रिक्स, मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लोरल है, यानी कि दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स के तादाद को मैट्रिसेस कहा जाता है। क्योंकि यहां पे हम लोग दो मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो इसलिए मैट्रिसेस वर्ड्स के बारे में जानना आप लोगों के लिए काफी मस्ट है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने रोज और कॉलम्स के ऊपर कुछ बात की, और उसके बाद फिर हम लोग आए अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। अभी हम लोग आते हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिसेस जरा डिफिनेशन पेज नंबर थ्री पे देखो, बस यही डिफिनेशन आप लोग फिर सीख लो, एग्जाम में भी यही डिफिनेशन आप लोगों ने लिखने। इक्वल मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ एंड only if, if and only if। ये if and only if एक बहुत ही बड़ा important word है, ये आप लोग अपने ज़हन में रखो। if and only if का मतलब ये है कि अगर a b के equal है तो b को भी a के equal होना चाहिए। inverse process इसका होता है दरअसल, लेकिन वो आप पहले छोड़ो। अभी हम लोग आते हैं कि matrix, equal matrices, कौन से matrices जो है वो equal matrices कहलाते हैं। If and only if the order of A is equal to the order of B, दो मैट्रिक्स A और B तब आपस में इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर मैंने आप लोगों को बताया, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी तरह इसका नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ये चेक करो, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। एंड सेकेंड वन, देयर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनके कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये हो गया 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। ये कोरिस्पोंडिंग लफ्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज कौन से होते हैं। जो एंट्री इस मैट्रिक्स में जहां पर वाकिया है, उसके जगह पर जो एंट्री है वो क्या है हमारे पास? एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ये हमारे पास एक दूसरे के कहलाते हैं कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स या कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज। अच्छा, ये इनको एलिमेंट क्यों कहते हैं? ये 1 2 3 4, ये फिर हमारे पास 1 2 3 4 नंबर नहीं रहते, बल्कि इनको हम लोग नाम देते हैं एलिमेंट, क्योंकि अब ये एक मैट्रिक्स का हिस्सा बन चुका है। जैसे सेट में हम लोग लेते थे 1 2 3 एक सेट है, हम कहते थे कि ये 1 2 3 इसको आप एलिमेंट कहोगे, नंबर नहीं कहोगे, क्योंकि ये सेट के अंदर मौजूद है। या तो इसको सेट से निकालो या फिर इसको जो है एलिमेंट्स ही कहा करो। कहते हैं कि देयर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि उनके कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होंगे। तो इसी तरह का मैट्रिक्स हो सकता है 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स ये है और ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। तो अभी देखो कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आपस में इक्वल है और साथ ई में ऑर्डर भी आपस में इक्वल है। इसका भी 2 बाई 2 है ऑर्डर, इसका भी 2 बाई 2 है। तो ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे? इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहाँ पे इसका एग्जांपल आप लोग चेक करो, जरा देख लो। बहुत ही आसान सा है कि अभी क्या है, 1 है यहाँ पे, भी 1 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, 2+1 है यहाँ पे, -4 है। और एक बात और, आप लोगों के सामने, सबके सामने बुक का होना बहुत ही जरूरी है। इस ऑनलाइन क्लास में बुक का होना काफी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। दी ऑर्डर ऑफ, ये फिर एग्जांपल है, जैसे कि चलो मैं आज, क्योंकि आज फर्स्ट डे, आज मैं खुद ही सॉल्व करवाता हूँ इसको कि ये एग्जांपल कैसा है, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वैसे भी पहला लेक्चर है, आप लोग जरा
घर पे भी इसका काफी यानी होमवर्क किया करो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एंट्रीज है 1, 3 माइनस 4 एंड 2, और इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है जो है 1 यहाँ पे 2 प्लस 1 यहाँ पे माइनस 4 यहाँ पे 4 माइनस 2। ये वैसे ही हमारी एनर्जी चेक करने के लिए ऐसे दिए हुए, लेकिन वैसे ही बजाय आप लोग जरा चेक करो, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 है यहाँ पे माइनस 4 है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 माइनस 2 वापस क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आपस में सेम हो गए, और इसी तरह यहाँ पे इसका आर्डर भी 2 बाई 2 है इसका भी 2 बाई 2 है। तो मेट्रिक्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल मेट्रिसेस ऑफ ईच अदर। इसी तरह एक एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, और ये एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, कहते हैं कि एल इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 2, 2 और एम इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 माइनस 2। आप लोग जरा चेक करो कि ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। ऑर्डर तो पहले पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर सेम है कि नहीं। अब यहाँ पे एल का जो ऑर्डर है वो 2x2 है, एम का भी 2x2 है या 2x2 है, तो यहाँ पे ऑर्डर तो सेम हो गया। इधर 2 है इधर 2 है इधर 3 है इधर 3 है, यार ये दो कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी आपस में सेम आ रहे हैं, माइनस 2 माइनस 1 2 यहाँ पे बात बिगड़ गई। तो हम लोग कहेंगे कि एल इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स एम। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह फिर थर्ड एग्जांपल है, वो भी इसी तरह है। उसमें तो ऑर्डर सबसे पहले पी मैट्रिक्स जो गिवन है उसमें ऑर्डर है मैट्रिक्स का 2x2 और क्यू मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2x3। तो 2x2 2x3, तो ये पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करता, तो इट मीन्स दैट पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला वाला सवाल है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसमें से जो है मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन करवाऊंगा दो पार्ट्स, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाकी सवाल आप लोग खुद करके बैठ के कर सकते हो। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा आप लोगों का फोकस होना चाहिए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज मींस आप लोगों ने जो है प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ये प्रैक्टिस जब करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके जो है मैथमेटिक्स आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है ए इज इक्वल टू, पहला मैट्रिक्स है 2, 3 माइनस 5 एंड 6, तो दूसरा मैट्रिक्स है जी इज इक्वल टू 2, 3, 0 1, 2, 3, 2, 4, 5, ये मैट्रिक्स गिवन है। अब जाहिर सी बात है इसका जो ऑर्डर है ये क्या है हमारे पास 2x2, और इसका ऑर्डर हमारे पास है 3x3, क्योंकि 3 रोज 3 कॉलम्स m क्रॉस n का मतलब ये है कि अगर m रोज हो n कॉलम्स हो तो m क्रॉस n या m बाय n ऑर्डर कहलाता है। तो 3 रोज है 3 कॉलम्स है तो 3 क्रॉस 3 या 3x3 इसका ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को जो है एक्सरसाइज 1.1 का फोटो शॉट लेके सेंड भी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो यानी के यहाँ पे आप लोगों के पास 10 मैट्रिक्स गिवन है। आपने इसमें बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अच्छा, ये सवाल जरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग जरा देख ले। क्वेश्चन नंबर 1 का तो दो पार्ट मैंने करवाया है, बाकी का भी आप लोग चेक करें कि ऑर्डर क्या होता है, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं एक्सरसाइज सॉल्व करके भेज दूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो बस यही सवाल हम लोग जब करेंगे तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा और साथ ही में जो है आप लोगों का ये लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, और फिर आप लोग जो है आज मैट्रिक्स का ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये घर पे जाके इसको टाइट इसके अपने नोट्स बनाया करो और पढ़ाई करो। बस यहाँ पे हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ
क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यहां पे इक्वेशन का एक लफ्ज यूज हुआ है, हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जरा यहां पे लाइट रोशनी डालूंगा कि ये इक्वेशन का क्या डिफिनेशन है। इक्वेशन इक्वेशन वैसे इक्वल से निकला है, इक्वल से निकला है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग पढ़ते थे इक्वेशंस 2x plus 3y is equal to 4, हम कहते थे कि ये एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हमने लिखा था कि लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है, तो जब लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है तो ये इक्वेशन कहलाता है। और मैथमेटिक्स में अगर आपके पास इस तरह का कोई भी लिखा हुआ, जहां पे भी लिखा हुआ नजर आए, तो आप कहोगे कि ये मेरे पास इक्वेशन है। तो इसी तरह मैट्रिक्स का इक्वेशन क्वेश्चन नंबर थ्री में गिवन है, कहते हैं कि सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब वो इक्वेशन क्या गिवन है वो इक्वेशन में पहले लिखूंगा। ये तो वैसे ही हम लोग इक्वेशन के डिफिनेशन में चले गए, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इक्वेशन क्या है। मैट्रिक्स इक्वेशन ए प्लस सी ए प्लस टू बी सी माइनस वन फोर डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस सेवन थ्री टू डी। कहते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस दैट के लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इन लोगों ने खुद इकरार किया हुआ है कि ये आपस में इक्वल है, तो कहते हैं कि ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम करो। ये इसी एक छोटा सा यूज है मैट्रिक्स का, ताकि आप लोगों को जो है मैट्रिक्स के साथ दिलचस्पी पैदा हो जाए। तो ये यूज इस तरह है कि हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को याद है कि इक्वल मैट्रिक्स का डिफिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपस में सेम होगा, ऑर्डर सेम है, इसका भी 2 बाई 2, इसका भी 2 बाई 2, और उसमें कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी आपस में सेम होंगे। तो ए प्लस सी के कोरिस्पोंडिंग इस मैट्रिक्स में क्या है, जीरो। तो ए प्लस सी जीरो की इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपस में दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या लिखे हुए, इक्वल लिखे हुए। यहां पे ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर वन, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर टू। फिर इसके बाद सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, ये वाला कोरिस्पोंडिंग एंट्री, इसका कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज ये है, और इसका जो है हमारे पास 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो ये मेरे पास चार इक्वेशन बनते हैं। अब इन चार इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, इन चार इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, c माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, हमें तो c की वैल्यू चाहिए ना, तो c को इधर ही छोड़ेंगे, माइनस वन उधर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, माइनस वन उधर जाके क्या हो जाएगा, 3 प्लस वन इज इक्वल टू फोर हो जाएगा। अब c की वैल्यू आपको बताया कि 4 है, अब c की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन वन में फुट करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, a को इधर ही छोड़ दो क्योंकि आपको a की वैल्यू चाहिए, इधर आ जाएगा माइनस फोर, a इज इक्वल टू माइनस फोर, सी इज इक्वल टू फोर। फिर यहां पे a इज इक्वल टू माइनस फोर फुट करो, माइनस फोर उधर शिफ्ट करो, प्लस फोर हो जाएगा, प्लस फोर माइनस सेवन हो जाएगा माइनस थ्री। फिर वापस इसके बाद आप लोग टू उधर शिफ्ट करो तो माइनस थ्री अपॉन टू आई थिंक b की वैल्यू आएगी। फिर वहां पे जो है आपके पास d, यहाँ पे ये 4d माइनस सिक्स, ये इक्वेशन मेरे ख्याल से 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू, ये तो बहुत ही आसान है, आप इस तरह करो कि ये 4d है। अच्छा, इस इक्वेशन को जरा देखो, ये इक्वेशन जरा हम लोग करते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोगों को याद आ जाए जो हम लोगों ने एट्थ में सेवंथ में पढ़ा था कि a प्लस 4d 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d। अच्छा, हमें तो जैसे c माइनस वन इज इक्वल टू थ्री से हमें c की वैल्यू चाहिए थी, तो हमें माइनस वन उधर शिफ्ट करना पड़ा, वो माइनस वन उधर जाके प्लस हो गया, तो थ्री प्लस वन फोर है। फिर यहाँ पे तो सबको पता है कि यहाँ पे c की वैल्यू फोर है, इधर शिफ्ट करो, इधर फिट करो, फिर वहां पे जाके शिफ्ट करो, तो सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें यह करेंगे कि ये 4d है और ये 2d है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अच्छा, ये 4d बड़ा है या 2d बड़ा है, जाहिर सी बात है 4d बड़ा है,
फोर डी बढ़ाए, जब फोर डी बढ़ाए तो फोर डी टू डी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ा जो है वो हमेशा छोटे की तरफ नहीं जाता, बल्कि छोटे बड़ों की तरफ आते। आप लोगों ने देखा होगा घर में, जाहिर सी बात है छोटे भाई जो है वो बड़े भाई के पास जाता है। इस तरह नहीं है कि कमरे में बैठ के बड़े भाई से कहता है कि जाओ बड़े भाई को बुलाओ, तो जाहिर सी बात है ये 4D उधर नहीं जाएगा बल्कि 2D इधर आएगा। तो 4D यहां पे है, ये जब 2D इधर आएगा, ये प्लस 2D था तो इधर आके माइनस 2D हो जाएगा, और माइनस 6 इस तरफ क्या बचेगा, जीरो। अब वाई प्लस माइनस 6 तो शिफ्ट करो, तो 4D माइनस 2D इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, D इज इक्वल टू आपके पास आएगा 3। फिर ये D क्यू वहां पे पुट करिए, ये क्यू पुट करो, तो बस ये समझो आप लोगों, वो वैसे आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करो। वैसे भी अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, उसी टाइम मुझे बेशक उसका शॉर्ट लेके सेंड करो, जितना हो सके मैं आप लोगों का मदद करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस, ये थ्योरीज आप लोग पढ़ ले, इस एक्सरसाइज को करें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, तो अभी खुदा हाफिज़। और आप लोग जो है, एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी अपना लेक्चर अटेंड करने जाओगे तो अपना अपने पास मैथमेटिक्स का बुक और साथ ही में एक रजिस्टर रखो, और उसी पे पढ़ाई करो कि बाबा जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आप भी वहाँ पे लिख लिया करें, बुक आपके सामने, जाहिर सी बात इधर मैं पढ़ूंगा आप उधर ही पढ़ो। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से एक हफ्ता 10 दिन बाद आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम लोग क्लास में बैठे। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, इंशाल्लाह फिर परसों मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।